गवाह पर जानलेवा हमला कर देना, सभी गवाहों को मार डालने की धमकी देना आई देने वालों की हिफाजत कराने में असमर्थ है। बार बार इस बात को हम किसान आंदोलन ने उठाया था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से किसानों को दो मिनट में मिटा देने की धमकी देने वाले अजय मिश्रा उपटेनी को हटाया जाना चाहे नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं हटाया। बार बार हम लोगों ने कहा था, इस बात को निरंतर मांग की थी करते हैं। अभी तिकोनिया थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 23 लोग करीब गिरफ्तार हो गए हमलावरों में, 323 साधारण चोट का और 506 जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। और मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी सार्वजनिक तौर पर, मैंने कहा था कि दुनिया का इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन कभी नहीं हुआ कि जितना बड़ा आंदोलन यह है, कि इससे बड़ा बलिदानी आंदोलन नहीं हो सकता। सरकार चाहे लाठी डंडा गोली और तोप की व्यवस्था कर दे उड़ाने की बात, क्या कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री के गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जा रहा है। गोलवरकर ने कहा था 95% देशवासियों को कंगाल बना दो, अगर लंबे समय तक आरएसएस संघ पक्के और उसकी शाखा को राज करना हो, क्योंकि सबके सब बड़ी संख्या में 5 किलो अनाज के लिए 1000-2000 रुपए के लिए देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत को भाजपा के हाथों नीलाम करा रहे हैं। लेकिन जो अदालत में बैठे जज हैं, कैसे संभव हो सकता है कि इतने बड़े अपराधी को भी जमानत दी जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को किसानों के नरसंहार कराने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और नरसंहार करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई की 10 मार्च को शाम को 6 बजे के लगभग, जैसे ही यह पता लगता है सार्वजनिक होती है खबरें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड कायम करके दोबारा से उनकी सरकार की वापसी होने जा रही है, उसके ठीक 2 घंटे बाद लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के गवाहों में से एक किसान दिलजोत सिंह, जिनके पिता का नाम सरदार जनरल सिंह है, ग्राम कुल्हरी तिकोनिया खीरी उत्तर प्रदेश के निवासी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिस गवाह को पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है, कांस्टेबल मनोज उनकी हिफाजत के लिए साथ रहते हो, और वो जब अपने गन्ना लेकर के मिल में जा रहे थे ट्रैक्टर पर, तो फिर वहां पर डांगा गांव में तिकोनिया थाना के अंतर्गत आशीष मिश्रा के गुंडे उनका ट्रैक्टर घेर लेते हैं। कांस्टेबल मनोज नीचे उतर करके ट्रैक्टर घेरने वाले गुंडों को समझाने के लिए जब नीचे उतरता है तो मौका पा करके अशोक रामू मुंडा लाल अनिल त्रिवेदी पवन और 5-6 अज्ञात जो गुर्गे हैं आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई के, वो जानलेवा हमला करते हैं। वो धमकी देते हैं, कहते हैं कि बताते हैं कि हमारा मोनू भाई जो रिहा हो चुका है, एक तो जमानत पर बाहर है, और एक एक व्यक्ति को जो तुम गवाह हो सबको सबक सिखाया जाएगा। यह धमकी दी जाती है और यह धमकी इसलिए भी दी जाती है, साथ में कहा जाता है हमारी सरकार की वापसी हो रही है। तो दोस्तों मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं कि जिन गुंडों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भय ना हो, जो गवाह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली पुलिस व्यवस्था के बीच, पुलिस सुरक्षा के बीच में सुरक्षित ना हो, तब ये कैसा नरेंद्र मोदी जी का जो वहां नारा होता है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये संयोग है कि प्रयोग है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी की
पुख्ता जानकारी, या मैं कहूं कि यह सब सिद्ध हो जाता है कि अब वो पूर्ण बहुमत हासिल कर चुके हैं, उसके बाद में गवाह पर जानलेवा हमला कर देना, सभी गवाहों को मार डालने की धमकी देना। और इससे पहले भी मैं कहूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान, और उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा किसानों के नरसंहार करने वाले आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत पर रिहा करना यह संयोग है कि प्रयोग है। इस पूरे घटनाक्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो किसान शहादत दिए हैं लखीमपुर खीरी में, जिनको नरसंहार किया गया, उनके परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते समय किसानों की पैरवी करने वाले देश के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी ने एक बात साफ शब्दों में कही कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते समय अपराध की गंभीरता के हिसाब के को गलत तरीके से आंका है, यह गलत है इतने बड़े अपराधी को जमानत देना। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे अगली सुनवाई 15 मार्च को करने जा रहा है। नरसंहार में आप सबको मालूम है कि 4 किसानों की, 1 पत्रकार की और 3 अन्य लोगों की जान चली गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमको यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पुलिस बंदोबस्त, पुलिस हिफाजत गवाहों को मिली हुई है, कहां जाएंगे किसान अगर सुप्रीम कोर्ट भी देश में अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वालों की हिफाजत कराने में असमर्थ है। बार बार इस बात को हम किसान आंदोलन ने उठाया था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से किसानों को 2 मिनट में मिटा देने की धमकी देने वाले अजय मिश्रा उर्फ टेनी को हटाया जाना चाहे, नरेंद्र मोदी ने आज तक नहीं हटाया। बार बार हम लोगों ने कहा था, इस बात को निरंतर मांग की थी, करते रहे। अभी तिकोनिया थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें 23 लोग करीब गिरफ्तार हो गए हमलावरों में, जिनके खिलाफ धारा 147, रास्ता रोकने की धारा 323 और साधारण चोट दिखाई गई है, और धारा 500, मैं माफी चाहता हूं, 323 साधारण चोट का और 506 जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी तह तक हमको जाना पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा था और मैं एक बात फिर दोबारा से कहना चाहता हूं, इस पूरे घटनाक्रम में हमको जाना चाहिए कि किसानों का नरसंहार क्यों किया गया। नरेंद्र मोदी भी जानते थे, जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था किसान आंदोलन का सड़कों पर जाम को लेकर, मैंने तब भी खुलासा किया था और मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी सार्वजनिक तौर पर, मैंने कहा था कि दुनिया का इतना बड़ा अहिंसक आंदोलन कभी नहीं हुआ कि जितना बड़ा आंदोलन यह है, इसकी संख्या को लेकर के। और दूसरी बात हमने कहा था कि इससे बड़ा बलिदानी आंदोलन नहीं हो सकता, सरकार चाहे लाठी डंडा गोली और तोप की व्यवस्था कर दे उड़ाने की बात, किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक 3 काले कानून वापसी नहीं हो जाते। यह बात नरेंद्र मोदी की सरकार भी जानती थी कि 3 अक्टूबर को किसानों का नरसंहार कराने के बाद किसानों का आंदोलन रुक नहीं सकता है, लेकिन बावजूद इसके किसानों के नरसंहार की योजना क्यों बनाई गई, क्या कारण है कि गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जा रहा है, क्या कारण है कि इतने बड़े अपराधी को विधानसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के पोलिंग के पहले दिन, मैं पोलिंग की बात कर रहा हूं, कई चरणों में हुआ, 10 फरवरी को उस दिन जमानत मिलती है, जिस दिन पहले चरण का मतदान होना था। इससे हमारे दिल और दिमाग में कई बातें उठती हैं। संघ के जो दूसरे गुरु थे गोलवर्कर, माधव सदाशिव गोलवर्कर ने कहा था,
95% देशवासियों को कंगाल बना दो। अगर लंबे समय तक आरएसएस संघ के और उसकी शाखा को राज करना हो, मैं मानता हूं और आप सब लोग भी मौजूदा दौर में देश में करोड़ों लोग बेरोजगारी पर हैं, महंगाई अपने चरम पर है, देश में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश के सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, लेकिन देश के मतदाताओं ने तय किया कि भारत की मोदी सरकार एक एक सरकारी संस्थान को बेच डाले। बस हमारे को 5 किलो राशन और हमारे खाते में किसान निधि के नाम पर साल में 6,000 रुपए, और फिर मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं कि कोई और कार्ड जैसे श्रम कार्ड बनाया करके 1,000 रुपए लिया गया है। देश की जनता को लाचारी, भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी के कारण, चाहे वह नोटबंदी हो, टैक्स पद्धति बदलने का नाम हो या फिर कोरोना के नाम पर हो, देश की जनता बड़ी संख्या में, मुझे लगता है उसको न देश की सीमा की सुरक्षा की चिंता है, न देश के संविधान की चिंता, न देश के सरकारी संस्थानों को बचाने की चिंता, क्योंकि सब के सब बड़ी संख्या में 5 किलो अनाज के लिए 1,000-2,000 रुपए के लिए देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत को भाजपा के हाथों नीलाम करा रहे हैं। लेकिन जो अदालत में बैठे जज हैं, कैसे संभव हो सकता है कि इतने बड़े अपराधी को भी जमानत दी जाए, और इस मामले में सुनवाई देर से हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के नरसंहार की भूमिका क्यों रखी गई थी। मैं इस पर याद दिलाना चाहता हूं भी आपको कि 3,000 किलो हेरोइन, 2 खरब 40 अरब रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी 16 सितंबर 2021 को रुद्राकोट पर अदानी के, जहां पर भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले का पोर्ट है अदानी का। उस 3,000 किलो हेरोइन के समाचार को 19 सितंबर तक छिपा के रखा गया, और यह कहां से आया था? यह आया था अफगानिस्तान से। तो 15 अगस्त को अफगानिस्तान में सरकार बनती है तालिबान की, और 16 सितंबर को 2,40 खरब रुपए की हेरोइन आती है गुजरात में, जहां भाजपा की सरकार और भाजपा का पालन पोषण करने वाले अदानी का पोर्ट है, जिसको भारत के सरकारी संस्थान, भारत के जहाज, एयरपोर्ट और तमाम बंदरगाह, बिजली और कोयला और तमाम चीजें जो बेची जा रही हो उसके मुद्रा पोर्ट में, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। हमारे देश के अखाड़ा परिषद का महंत अध्यक्ष नरेंद्र गिरी आत्महत्या करते हैं 20 सितंबर को, उससे पहले इस मामले को दबाया रखा गया, फिर ध्यान भटकाने के लिए 3,000 किलो हेरोइन से प्रधानमंत्री 22 सितंबर को, जिस दिन भारत में 27,000 नए कोरोना के मामले उजागर हुए, बिन बुलाए अमेरिका चला जाना। अब आप कल्पना कीजिए, भारत में 450 मामलों में देश को ताले में बंद करने वाला प्रधानमंत्री एक ही दिन में 27,000 कोरोना के मामले उजागर होने पर अमेरिका चला जाता है बिना बुलाए। और फिर अमेरिका जाने के बाद आपने देखा फर्जी न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज छापकर देश और दुनिया की आखिरी उम्मीद और सबसे बड़ा ताकतवर नेता बताया जाता है मोदी को, और 26 सितंबर को नरेंद्र मोदी का वापस आना और देर रात को सेंट्रल विस्टा के निर्माण को देखने के लिए जाना, यह सब का सब मैं बार बार कहता रहा हूं, खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। और फिर आप और हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेड की जाती है कि हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी चल रही है, और उसमें आर्यन खान को गिरफ्तार कर देती है एनसीबी। ये सब भी खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। और फिर आपको बताता हूं कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तारी दिखाई जाती है, 28 दिन तक को जेल में रहना पड़ता है,
और अभी 2 मार्च 2022 को एसआईटी आर्यन खान को निर्दोष घोषित कर देती है। तो 2 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार करना, रेड करना, और 3 अक्टूबर को किसानों का नरसंहार कराने का भी जो मसला है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं इसकी कड़ी जुड़ती है कि जो अहमदाबाद गुजरात में मुद्रा पोर्ट पर जो 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी उस पूरे मसले से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। आज तक आर्यन खान को गिरफ्तार करते समय कहा गया कि उसके दोस्त के जूते में 5 ग्राम गांजा था। कोई नहीं पूछ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं पूछ रही है कि 3000 किलो हेरोइन जो पकड़ी गई मुद्रा पोर्ट पर गुजरात में, न गुजरात सरकार से कोई पूछताछ हो रही है, न मुद्रा पोर्ट के जो मालिक है गौतम अदानी उससे किसी भी तरीके की पूछताछ हो रही है। इस पूरे षड्यंत्र को भी हमको आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं फिर जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही आप सब लोगों से कहना चाहता हूं और आपको बताना, यकीन दिलाना चाहता हूं पूरे देश के किसान एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। लखीमपुर खीरी के नरसंहार के मौके पर जो सभी गवाह किसान हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल आदेश करे कि किसी भी कीमत पर जितनी मर्जी पुलिस बंदोबस्त करना पड़े पर ऐसे हमलावरों को हमला करने का मौका नहीं मिलना चाहे गवाहों पर। जिस तरीके से अभी ठीक चुनाव की गणना के बाद किसान दिलजोत सिंह पर हमला कर किया गया जबकि वह पुलिस सुरक्षा में था, इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक एक सिपाही की सुरक्षा में गवाह सुरक्षित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं कि वह ऐसी भूमिका बनाएं जिससे तमाम गवाह निर्भीक होकर के, निडर होकर के गवाही दे सकें और किसानों का नरसंहार करने वाला आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई और उसके सहयोगियों को किसानों के नरसंहार करने की सजा मिल सके। और इसमें हर तह तक जाना चाहिए कि ताकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी से हटाया जा सके जिसके इशारे पर उसके बेटे ने किसानों का नरसंहार किया था। और इस पूरी व्यवस्था में यह भी जांच होनी चाहिए कितने बड़े अपराधी को। ठीक उत्तर प्रदेश में यह संयोग है कि प्रयोग है, दोबारा कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान का दिन हो, इलाहाबाद का हाई कोर्ट के द्वारा किसानों का नरसंहार करने वाले को उसी दिन जमानत देना और फिर 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ के बहुमत, पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए मिले बहुमत के बाद फिर दिलजोत सिंह पर आशीष मिश्रा के गुंडों का हमला कराना, यह संयोग और प्रयोग नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस तरीके से हमारे देश में जस्टिस लोया को हटाया गया, जिस तरीके से हमारे देश में राफेल मामले में मनोहर पारिकर को मिटाया गया और जिस तरीके से देश के आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की बात करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को मरवाया गया, ठीक उसी तरीके से लखीमपुर खीरी के गवाहों पर को पर दबाव बनाने के लिए, उनको डराने के लिए सरदार दिलजोत सिंह पर हमला कराया गया। यह बात भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।